नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, स्कूटी को रौंदते हुए कोयला लदा ट्रक घुसा दुकान, बाल बाल बची स्कूटी चला रही लड़की, दुकानदारों का हुआ लाखों का नुकसान। गढ़वा NH 75 मुख्य मार्ग नवादा मोड़ पर एक बड़ी घटना घटी, जहां एक कोयला लदा ट्रक एक स्कूटी चालक लड़की को बचाने में स्कूटी के पिछले हिस्से को रौंदते हुए एक पान की दुकान की गुमटी सहित दो दुकानों में घुस गए। लड़की की जान तो बच गई, पर दोनों दुकानों में लाखों का नुकसान हो गया। घटना सुबह 5 से 5:30 बजे की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार नवादा गांव निवासी विनोद पाल की लड़की सुबह स्कूटी से नवादा मोड़ की ओर की तरफ आ रही, जो मोड़ पर पहुंचते ही मुड़ने के दौरान असंतुलित हो गई, जिसे बचाने में ट्रक ड्राइवर भी घबराकर सड़क के दाहिने साइड ट्रक को मोड़ दिया। स्कूटी चालक लड़की स्कूटी से दूर फेंका गया और जिससे उसकी जान बच गई। ट्रक स्कूटी के पिछले हिस्से को रौंदते हुए ट्रक सड़क के किनारे पान की दुकान की गुमटी को रौंदते हुए दो दुकानों में जा घुसा। एक दुकान चाय एवं फूल पौधे की तो दूसरी नाश्ते पानी का होटल है। चाय एवं फूल पौधे के दुकानदार सत्यनारायण कश्यप ने बताया कि सुबह मैं घर पर था, घटना के बाद सूचना मिली, तब दुकान पर आया तो देखा कि दुकान में ट्रक घुसा हुआ है, दुकान क्षतिग्रस्त एवं सारा सामान तहस नहस हो गया। साथ ही मुआवजे की गुहार लगाते हुए कहा कि मैं गरीब आदमी, किसी तरह से चाय एवं फूल पौधे बेच कर गुजर बसर करता हूँ। सत्यनारायण कुमार कश्यप। क्या घटना हुआ? हम तो मालूम नहीं था, हम घर पे थे, फोन के द्वारा मालूम चला कि भाई आपके दुकान में पूरा ट्रक घुस गया है, लोड ट्रक, मेरा पूरा दुकान टूट गया है, बहुत गरीब आदमी है, दुकान बनवाना पड़ेगा मेरा पूरा, लगभग 4-5 लाख रुपए का लॉस हो गया मेरा। कहाँ की घटना है ये? बिशुनपुर नवादा मोड़ गढ़वा का है, मेन रोड का। हाँ, मेन रोड का। आगे क्या चाहते हैं? अब हम क्या चाहते हैं, हम तो यही चाहेंगे कि मेरा जो लॉस हुआ वो मेरा भरपाई किया जाए। वहीं होटल मालिक भीम प्रसाद ने भी घटना की जानकारी देते हुए अपने नुकसान के मुआवजे की मांग की। मेरा नाम भीम प्रसाद है। होटल आपकी का है? हाँ, होटल मेरा ही है। क्या हुआ है? आया उधर से गाड़ी घुसेड़ दिया, सब काउंटर फाउंटर सब तोड़ दिया, 4 लाख रुपया का नुकसान हो गया। सर 5:30 बजे नाम सर नहीं खुलिए रहा था, दुकान खुलिए रहा था, नवादा मोड़, काउंटर टूट गया, सब छाजा टूट गया, कुर्सी पे टूट गया, सब पर्स टूट गया, सब मिठाई बर्बाद हो गया है, लगभग 4 लाख। अभी ने इसको बनवाए थे नया, 2.5 लाख तो बनवाने में लगा था, 80,000 का काउंटर हुए। क्या चाहेंगे हमको, हमका हमारा मिल जाएगा और हमको क्या चाहिए? ड्राइवर फरार है, खलासी है, यहाँ ये है खलासी। मौके से ट्रक ड्राइवर फरार हो गया है एवं ट्रक के खलासी लड़के को लोगों ने होटल में बैठा कर रखा है। ट्रक के खलासी लड़के ने भी आंखों देखा घटना की पूरी जानकारी। अंकित कुमार भी यार, कहाँ के रहने वाले? टाटीदरी। गढ़वा ट्रक? हाँ। कहाँ से आ रहे थे? कारचा से। कारचा से। क्या लेकर आ रहे थे? कोयला। कहाँ जा रहे थे? टाटा जा रहा था। रांची से आ गया। रांची से आगे टाटा जा रहे थे? हाँ, गिराने। कैसे घटना हो गई? लड़की के बचाने में। मैंने लड़की कहाँ, लड़की खड़ी थी क्या थी? लड़की ऐलान के घुसे लिए था ट्रक से। मतलब क्या चीज से घुसे? स्कूटी से। मतलब लड़की स्कूटी से आ रही थी? हाँ, लड़की के बचाने में घुस गया है। और किसी को चोट लगा है? है? किसी को चोट वोट लगा है? नहीं। कोई लड़की उड़की या कोई लड़का पूछा है? नहीं, नहीं चला कोई। खाली अंदर कुछ? हाँ। कौन था ड्राइवर? जितेंद्र भैया। कर्चा के? कर्चा। हाँ। क्या नाम था उसका? जितेंद्र भैया। ड्राइवर फरार हो गया।
हाँ उधर है कहता ड्राइवर सो नहीं रहा था। नहीं नहीं कितने बजे निकले थे वहाँ से लेकर? आधा घंटा हो रहा है, 40 मिनट हो रहा है वहाँ से निकले। मेरा नाम सूरज कश्यप है, मैं नवादा मोड़ का ही रहने वाला हूँ। सुबह 5 बजे की घटना है। पब्लिक लोग का कहना है कि लड़की के बचाने में ये इधर मतलब घुसा दिया गाड़ी, और लड़की नवादा विनोद पाल की लड़की थी, मतलब उनके पिताजी का नाम विनोद पाल था, नवादा की लड़की थी। पब्लिक लोग का ही कहना है कि ड्राइवर में कोई गलती नहीं है, और ये पब्लिक लोग का कह रहे हैं कि सब गलती जो है लड़की में है, वो इधर आ रही थी फिर उधर जा रही थी, इसी में ड्राइवर कंफ्यूज हो गया, और कंफ्यूज होने के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया, वो इधर गाड़ी में घुसा, होटल में घुसा दिया। होटल में हम उधर बहुत सारा नुकसान भी हो गया, पौधा भी डैमेज हो गया है, एक गुमटी था वो भी चला गया है यहाँ पे, और क्या हम बताया। होटल में तो उनका सारा मिठाई वगैरह सारा चला गया, कुर्सी टेबल टूट गया है, और जो ऊपर ये करकट वगैरह था वो भी चला गया है, सारा उनका भी नुकसान हुआ है। लगभग कितना का नुकसान दिख रहा है? उनका नुकसान तो ये लगता है कि 4-4.5 लाख तक का नुकसान हुआ है। किसका? होटल का? हाँ होटल का। और इनका? मेरा कम से कम उनसे ज़्यादा कुछ ज़्यादा हुआ है, क्योंकि गुमटी भी था साथ में, उसमें भी 1 लाख से ऊपर का माल उसमें भी भरा हुआ था, 1.5 लाख से ऊपर का। हाँ उसको 1 खरोज तक भी नहीं आया है। लड़की BSKD की स्टूडेंट थी। हाँ स्कूटी का पीछे वाला पार्ट चला गया है पूरा। हाँ लड़की सुरक्षित है, उसको घर भेज दिया गया है। उसको उसका 9th क्लास का एग्ज़ाम था आज। थाना को इन्फॉर्म किया गया? थाना को तो ये पता नहीं है, शायद इन्फॉर्म कर दिया गया है, अभी तक नहीं आई है। कहाँ का मामला है ये? यही नवादा मोड़ का है, माँ गायत्री हॉस्पिटल के सामने का है ये घटना। गढ़वा का गौरव हरे भरे गार्डन से सुशोभित उत्सव गार्डन, 400 कुर्सी का AC हॉल, अन्य 100 कुर्सी का 2 हॉल, 4 AC डिलक्स रूम, 5 डिलक्स रूम, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, 1600 लोगों को एक साथ मीटिंग करने की सुविधा, मैरिज लॉन, बुकिंग के लिए संपर्क करें। उत्सव गार्डन कचहरी रोड, बिजली ऑफिस के सामने, गढ़वा।